जयंत दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैराकमांडो। पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी तरफ से आप लोगों को स्वागत करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को रूबरू कराने वाला है। असम से हमारे पास एडमिशन के लिए आया है, देख सकते हो सामने बैठे हैं, और इनकी पेरेंट्स, इनकी रिलेशन रिलेटिव है, और आया है हमारे पास। सबसे पहले पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी तरफ से आप लोगों को स्वागत करते हैं। हमारे जो पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, क्योंकि नया नया अकेडमी ओपन हुआ है, ठीक है। तो आपको, आपने जो हमारे जो वीडियोस देखा है, मतलब कितना दिन से फॉलो किया है, और वीडियो देख के तो हमारे पास आया है ना, तो कितना दिन से फॉलो कर रहा है हमारे वीडियोस? तो ऐसे तो इंडिया में काफ़ी सारे अकेडमी से है ना, बड़े बड़े अकेडमी, ठीक है ना। तो उस साइड छोड़ के इधर आने का क्या रीज़न था? अच्छा, हार्ड होता है, मतलब फौजी बंदर थोड़ा ठीक ठाक करा सही बंदर से। ऐसे तो सिविलियंस बहुत सारे अकेडमी खुल के बैठा है, जो फौज को एबीसीडी पता नहीं, चलो वो चीज़ बात बताएंगे नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपका रिलेटेड है? आपको भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। तो आपने आपने जो इंडियन आर्मी का जो सोच लिया है, कितना साल की उम्र से आपने सोचा है मुझे आर्मी में जाना है, मतलब कितना साल से आपको ये फील आया मन में? टेंथ पास के बाद मतलब अच्छा फील आया जो मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है। आपने जो डिसीजन अपने हिसाब से लिया या घर वालों ने बताया इधर आओ बोल के, ऐसा तो नहीं है? डिसीजन, क्योंकि हमारे पास बंदे टिकते नहीं है, ट्रेनिंग होता हार्ड। वीडियो में जितना मैं दिखाता हूँ इससे तीन गुना कराता हूँ, वीडियो में चलो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, लेकिन अभी जो हमारे पास जो बच्चे है, पिछली बार हमारे पास 7 बच्चे तैयारी की, एक आसाम की थी और बाकी 6 का 6 हमारे त्रिपुरा का था, और 7 का 7 100% रिजल्ट देंगे। आप उधर सिलेक्शन कहिए, अभी इंडियन आर्मी में नर्सिंग स्कूल में सिलेक्शन हुई, ठीक है। हमारे पास हर 1 महीना 2 महीने में सिलेक्शन होती जाता है, ठीक है। ये नहीं वीडियो देख के आ गया, ऐसा नहीं है। वीडियो में जितना सच दिखता ना, इससे तीन गुना सच हम लोग क्या ग्राउंड में कराते हैं। ग्राउंड मिस कर दिया तो फिर पनिशमेंट की हकदार हो। मैं खुद पैरा कमांडर हूँ, 17 साल सर्विस करके भारतीय सेना से रिटायरमेंट आने के बाद मैंने अकेडमी ओपन किया, क्योंकि जो बच्चे है सोचता है, ड्रीम्स होता है भारतीय सेना का हिस्सा बनना, लेकिन उसको कोई गाइडनेस नहीं मिल पाता, इस कारण की वजह से अकेडमी ओपन किया, समझ रहे हो। तो आज अभी साथियों इनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, काफी समय हो गया, और सुख दुख के टाइम आया, तकलीफ तो नहीं हुआ? तो कितना दिन सफर करके हमारे पास आया? 4 दिन। तो आपने जो ये जो डिसीजन लिया है, कितना दिन तक आपने घर में बात किया होगा पापा से मम्मी से, मुझे जाना है ऐसा बोल के बात किया होगा ना, डिसीजन लिया होगा? फौजी में ये जो मेरा छोटा भाई है, फौजी में देने के लिए मेरा जो खाता ऋण लॉ है वो 2 साल से बात कर रहा है। अच्छा, 2 साल पहले वो मैट्रिक पास किया है, उसके बाद अभी साइंस में हाई सेकेंडरी पास किया है, उसके बाद मेरा फादर इन लॉ ने डिसीजन ले लिया जो हाई सेकेंडरी पास किया है फौजी में दे दूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। फादर इन लॉ वो फौजी का बहुत इंटरेस्ट है, फौजी में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए लड़का फादर इन लॉ का ये लड़का भी छोटा है, सबसे छोटा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। इनकी हाइट जो जितनी है ना, आराम से ब्लैक कमांडो बन सकते हैं ये आप लोग, ये 110% बोलते हैं कमांडो बन के जाओगे, ये कमांडो एकेडमी में आ गए तो कमांडो एकेडमी बनोगे। यहाँ पर देख सकते हो सारे तीनों चारों कमांडो लगा हुआ, ये पैरा कमांडो है, ये गरुड़ कमांडो है, ये घातक कमांडो, और ये है आप देख सकते हो ये मरीन कमांडो बोलते जो है ना, जो इंडियन नेवी में है, और ये है एनएससी जो, और इसी का बोलते हो ब्लैक कमांडो बनोगे, ठीक है। तभी बन पाओगे, दिल और दिमाग की कम्युनिकेशन, ठीक है, डेली ग्राउंड में आना पड़ेगा, यानी एक दिन सो गया सिस्टम नहीं चलेगा, कंटिन्यूटी चाहिए आप, ठीक है। चलो ओके, साथियों अभी वीडियो समाप्त करते हैं, काफ़ी उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और खुश रहिए, खुशियाँ बढ़ते रहिए। दुनिया में क्या क्या रखा है, कर्म ही रखा है, और ऐसा काम करो 100 साल तुम्हें याद करें। चलो, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। जय हिंद।